एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉट एन की विटामिन सी रेंज का रिव्यू एंड मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें है डॉट एन की का विटामिन सी सीरम और इनका सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट या इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर कैसे लगे मुझे ये प्रोडक्ट या क्या ये प्रोडक्ट रियल में वर्क करते हैं या नहीं, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, अगर आप इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे इजीली अवेलेबल हैं, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे जो इनकी ऑनलाइन लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पॉइंट नंबर टू, विटामिन सी जो होता है वो काफी सब्जेक्टिव है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हैं तो विदाउट पैच टेस्ट कभी भी उसे अपने फुल फेस पे अप्लाई ना करें, क्योंकि किसी किसी को उससे एलर्जी भी हो सकती है। तो पहले पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही इसे अपने फुल फेस पे अप्लाई करें, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, विटामिन सी जो होता है वो सबसे अच्छा विटामिन होता है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये आपकी स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसे आपको रेगुलर यूज करना होगा एंड एक इनफ टाइम देना होगा इस प्रोडक्ट को, जिससे कि वो अपना काम आपकी स्किन के लिए कर सके। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं इन प्रोडक्ट की डिटेल्स पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन सी सीरम की। तो ये है इनका फ्रेशली मेड 20% विटामिन सी फेस सीरम, जो कि है ब्लड ऑरेंज एंड फेरुलिक एसिड के साथ। ये 99% प्योर विटामिन सी है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और उन्हें फर्म करता है। साथ ही साथ ये फोटो डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाता है। इसका जो प्राइस है वो है 665 रुपीज, और जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है आई थिंक 25 ml की। हाँ, इसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है 25 ml की। दो पैकेजिंग में आता है, जिसमें एक में आपको लिक्विड मिलता है और दूसरे में पाउडर मिलता है एक्टिवेटर, जिसे आपको मिक्स करना है और शेक करना है और आपका सीरम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ है, 36 मंथ है। बट जैसे ही आप सीरम और एक्टिवेटर पाउडर जो होता है उसे मिक्स करते हो तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो घटकर सिर्फ 3 महीने रह जाती है। वैसे अगर आप किसी भी विटामिन सी सीरम की बात करें तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, क्योंकि जैसे ही आप विटामिन सी सीरम को ओपन करते हो वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसकी जो भी क्वालिटीज होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए अगर आप कोई भी विटामिन सी सीरम ओपन करते हैं तो ट्राई यही करें कि जल्दी से जल्दी आप उसे फिनिश कर लें, जिससे कि आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर सीरम को यूज़ करने की बात करें तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, फिर भी आपको दिन में 2 बार तो इसे ज़रूर यूज़ करना है, एक आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में एंड एक आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में, जिससे कि ये सीरम आपकी स्किन पे अच्छे से काम कर सके। अगर मैं सीरम की बात करूँ तो ये सुपर लाइट वेट है, इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं है, बिल्कुल क्लियर, ये देखिए इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, बिल्कुल पानी जैसा टेक्सचर है, ना तो इसमें से कोई चिपचिपापन है, ऐसा कुछ भी इसमें फील नहीं होता है। और जैसे ही हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ये फटाफट से अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब भी आप इस सीरम को अप्लाई करें तो ट्राई यही करें कि नेक्स्ट स्टेप में कम से कम 5 मिनट का टाइम जरूर रखें, 5 मिनट का गैप, जिससे कि सीरम जो है वो आपकी स्किन पे एक्टिव हो सके, आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो सके और अपना काम आपके लिए स्टार्ट कर सके। फिलहाल मुझे ये सीरम बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सच कहूँ तो मैं इसे ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा रहने दिया,
इसका रिव्यू शेयर करना था इसलिए। अब बढ़ते हैं इनके सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो इनका सेकंड प्रोडक्ट है डॉट एंड की स्किन केयर, जो कि है विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, मेन इंग्रेडिएंट की, तो जो कि है ककाड़ू प्लम एंड ब्लड ऑरेंज। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, इसमें तीन टाइप के विटामिन सी हैं। और ये प्रोडक्ट डल और ड्राई स्किन के लिए है, मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये उससे फाइट करने में हेल्प करता है। इसका प्राइस है 595 रुपीज, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है आई थिंक 60 ml की, और इसकी सेल्फ लाइफ भी 36 मंथ है। और ये कुछ इस तरह की क्यूट सी जार पैकेजिंग में आता है, ये ग्लास बॉटल है जो कि फिलहाल बहुत अच्छी है। और इन दोनों प्रोडक्ट की अगर मैं स्मेल की बात करूं, तो ये एग्जैक्ट स्मेल करते हैं ऑरेंज की तरह, जो रियल ऑरेंज होता है एग्जैक्ट उसी की तरह ये स्मेल करते हैं, फिलहाल बहुत अच्छे हैं। मॉइस्चराइजर की अगर मैं बात करूँ, ये सुपर लाइट है क्योंकि जेल फॉर्मूला में है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इवन इस चिलचिलाती गर्मी में भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी या चिपचिपा नहीं बनाता है, बल्कि आपकी स्किन को मैटिफाइंग इफेक्ट देता है, क्योंकि ये फटाफट से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, बट आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कराता है। यूज़ करने की अगर मैं बात करूँ, तो ये मॉइस्चराइजर भी आपको दिन में दो बार तो एटलीस्ट यूज़ करना ही चाहिए, आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में एंड आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में। फिलहाल इन प्रोडक्ट के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी, इन प्रोडक्ट की डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और इन्हें यूज़ कैसे करना है, कब करना है, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जो मैंने नहीं शेयर किया है वो ये है कि ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन के लिए इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। अब बारी आती है इनके बेनिफिट की। अगर मैं सीरम की बात करूँ, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है फेस वॉश के बाद, वो सीरम ही होता है। सीरम, ये सीरम आपकी स्किन को टारगेट करता है, स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती है, बिल्कुल भी ब्राइटन अप नहीं है, तो ये सीरम उस चीज़ को टारगेट करता है और आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी स्किन को गोरा बना देता है, बट आपकी स्किन पे एक ग्लो ऐड करता है, जो कि फिलहाल गोरे होने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन पे एक ग्लो होना चाहिए और आपकी स्किन जो है वो इवन आउट लगनी चाहिए, आपकी स्किन बिल्कुल प्लम्पी दिखनी चाहिए। तो ये सीरम एग्जैक्ट वही काम करता है। फिलहाल मुझे ये सीरम बहुत पसंद है, एंड सच कहूँ तो अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरी स्किन पे यहाँ पे पिगमेंटेशन है एग्जैक्ट इसी एरिया पे, बट अभी मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं ये कह सकती हूँ कि 60% वो पिगमेंटेशन जो है वो जा चुकी है, एंड ये रेशियो काफ़ी अच्छा है कि मुझे पिगमेंटेशन से 60% रिलीफ मिला है। अगर मैं मॉइस्चराइजर की बात करूँ, जैसा कि आपको पता ही है कि ये क्लेम करता है कि ये आपकी डल और ड्राई स्किन को टारगेट करता है। वैसे अगर मैं ड्राई स्किन की बात करूँ, तो मेरी स्किन ड्राई नहीं है, बट मेरी स्किन डल है, और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली के साथ साथ मेरी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड है, मतलब मैं कितना भी पानी पी लूँ या कुछ भी कर लूँ, मेरी स्किन जो है वो हमेशा टायर्ड दिखती रहती है एंड डिहाइड्रेटेड, मतलब मुरझाई सी दिखती है। तो ये सीरम उसके लिए बहुत ही, सॉरी, ये मॉइस्चराइजर उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि ये जो डिहाइड्रेशन होता है उसे दूर करता है और आपकी स्किन को प्लम्पी बनाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जो कि आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कैंसल आउट करते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को इवन आउट करते हैं, एंड आपकी स्किन पे वो जो डलनेस है, जो टायर्डनेस है, उसे भी रिमूव करते हैं। फिलहाल अगर मैं इसकी यूज़ करने की बात करूँ, तो आप इन्हें सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ मॉइस्चराइजर बाई कर सकते हैं या सिर्फ सीरम बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इनका कॉम्बो बाई करिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। वैसे सीरम की अगर मैं बात करूँ, तो इसे मैंने अभी रीपर्चेज नहीं किया है, बट मैं
मॉइस्चराइजर जो है वो ऑलरेडी रीपर्चेज कर चुकी हूँ, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी कर दिया है। फिलहाल ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है, ये कॉम्बो जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन हमेशा डल रहती है, हमेशा टायर्ड रहती है, डिहाइड्रेटेड है, पिगमेंटेशन है आपकी स्किन पे, आप अपनी स्किन को इवन आउट करना चाहती हैं तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिलहाल ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया डॉट एंड की के विटामिन सी रेंज का रिव्यू, जिसमें एक सीरम है एंड एक मॉइस्चराइजर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप में से कितने लोगों ने इन प्रोडक्ट को ट्राई किया है, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।